यहाँ की बात ही दूसरी है। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर कृपा अपनी बनाए रखें। तो बस यहाँ पर शाम रात हो रही है, अंधेरा हो गया है और ये हैं हमारी मामी जी, आई हैं मिलने के लिए, क्योंकि यहीं पे इनके नानी का घर है तो यहाँ आई हुई थी। और हम लोग का डबल रिश्ता है, मायके से भी है और ससुराल से भी है। भैया और नहीं कुछ नहीं दे रहे, कहाँ खा रहे तुम लोग? बाहर? ए भगवान। ये लो पूरी, कई छिड़क दे, चाटिया है। तुम क्या लोगे देवा? हैं क्या तुम लोग? हाँ पूरी चाहिए, मजा आ रहा है। क्या हुआ देव, जहाँ उतारे होगा ढूंढो। हमार बिंदी गिर गई है, रुक ऐसे घूम चाहिए। आज हम लोगों ने बनाया है पना पूड़ी। पना कौन कौन जानता है पना? आमरस। आमरस, आमरस समझ रहे होंगे आप लोग, आमरस हम लोग खा रहे हैं। आज आमरस बना था, ये देखिए, इसी को बोलते हैं गांव की भाषा में पना। पना और पूड़ी, आलू परवल की सब्जी। शाम को मैं सोची थी परवल की सब्जी बनाते हुए आप लोगों को सब्जी कह रही परवल तोड़ते हुए दिखाऊं, कि एक कमेंट आया था कि आप परवल कैसे लगे हैं दिखाइएगा, तो भूल गई थी मैं, दिखाऊंगी बाद में तोड़ते हुए। तो ये देखिए हम बहनें बैठे हैं, खान सबको खिला दिए हैं, सब खा पी के फुर्सत हो गए हैं। हम लोग का नंबर है अब। और अभी आज शाम को बूंदाबांदी हुई है, बारिश तो नहीं हुई है पर बूंदाबांदी, हवा बड़ी तेज से आई रूपा, ऐसा लगा हम लोग को बस अब तूफान आ रहा है, बारिश होगी, मौसम हाँ खुश हो गए थे। उसके बाद फिर हवा क्या भी चल रही है, हाँ हल्की हल्की हवा बढ़िया चल रही है। भैया थोड़ा सा गर्मी से ऐसा लगे कि राहत मिले, लेकिन देखिए कब मिलती है राहत। अभी तो बस अब हम लोग खाना खाएंगे, करीब घड़ी में 9:30 बज गए, 9:30 बज चुके हैं। और उसके बाद ये खाने के बाद फिर किचन बर्तन होगा, फिर ब्रश वगैरह होगा हम लोगों का, करते कराते सोते 7:11 बज जाएंगे। खाना खाने के बाद हम लोग हजम करेंगे। फिर थोड़ा सा वॉक भी करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर जाएंगे लेटेंगे, फिर सुबह 5:00 फिर से ड्यूटी शुरू होगी। हाँ चलो भैया खा लिया जाए। तो गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह हो गई है और सुबह के काम निपटा के बैठ गई हूँ सब्जी लेकर। और ये है गंवार फली जो होती है, तो किस किस ने ये सब्जी बनाकर खाई है, ये लेकर आए थे मेरे देवर जी सब्जी मार्केट से। तो बस इसको ये करने में ना नेरने में काफ़ी टाइम लगता है, तो लेकर मैं आधी एक दिन बनाई थी, आधी बची हुई थी, तो आज उसको छील के सारी तैयारी करी मैंने। और उसके बाद नहाने चली गई, बहन ने पहले ही नहा लिया, तो वही डे जो आपको पिछले डे मतलब ब्लॉग में रूटीन शेयर किया था वही रूटीन चलता है, कि सारी तैयारी मैंने करी और झाड़ू पोछा मिलकर साफ सफाई करी, उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ हुआ है। और बीच में ही मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट के लिए। और बिना वीडियो देखे मैं देखती हूँ लाइक कर देते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अरे राम हो, अभी हो गई है शाम, शाम का काम शुरू, शाम का काम। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर 48-48 पहुँच चुका है। जगह जगह ना न्यूज़ आ रही कि कार में आग लग रही है, ना कोई मेकअप ना कोई कुछ कुछ भी कर, कंघी तक नहीं हो रही है बालों में, कंघी भी ऐसे बाल बस जुड़ा बना के रखो, ये हाल है। आग फैन चल रहे हैं तो जैसे आग निकल रही, जब कूलर के सामने जाओ तो थोड़ा सा लाइट भी चली गई थी, अभी भी आई है। तो बस अभी अभी
ये साबूदाना बनाया था, आज बहना का व्रत है तो थोड़ा थोड़ा सोचा कि बच्चों को भी थोड़ा ज़्यादा बनाया था तो बच्चों को दे दूँ, थोड़ा थोड़ा सा वो खा लेंगे। और सोच रही थी मैंगो शेक बनाने के लिए, तो सबको पीने के लिए दें क्योंकि ठंडा कुछ पियेंगे तो अच्छा लगेगा। चाय तो बनानी ही पड़ेगी क्योंकि जो भैया हैं बाबूजी हैं उनका बिना चाय का चलता ना, चाहे गर्मी कितनी भी हो। तो थोड़ी थोड़ी चाय भी बनेगी, मैंगो शेक बनेगा, अभी साबूदाना दे देती हूँ, बर्तन किचन भी करना है। और अभी घड़ी में 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बज चुके हैं। दोपहर में 10-11 बजे हम लोग फुर्सत हो गए थे खाना खिला पिला के, तब से अब जाके अब फिर से काम शुरू हुआ। अब रात के 10 बजे 11 बजे तक का फिर शुरू हो गया, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। चावल वगैरह साफ करना है, बिनना है, झाड़ू लगेगी, बर्तन होगा, उसके बाद सब्जी कटना, ये सब काम अब शुरू हो गए। मतलब बीच में 3-4 घंटे का रेस्ट मिल जाता है प्रॉपर। 12 बजे से मान लो जैसे कोई एक दो लोग नहीं खाए होते हैं खाना, भैया कभी लेट कभी कोई लेट, तो उनके चक्कर में हम काम तो निपट जाता है, पर जब वैसे वेट करते रहते हैं कि वो भी आ जाएं उनको खाना देने, तभी सो सकते हैं या फिर कभी और कुछ काम, तो फिर भी 12 बजे तक फुर्सत हो जाते हैं। 12 से 4 बजे तक का फ्री है टाइम, कुछ भी करो, चाहे सो चाहे जागो चाहे जो करो। और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है हम लोगों का काम, तो फिर रात के बज जाते। पसीना पसीना हुई जा रही हूँ मैं सारे तरफ, कैमरे में उतना दिखता नहीं है सच में, आप लोग भी परेशान होंगे इस समय गर्मी में देहरादून में, लेकिन टेम्परेचर यहाँ से काफ़ी कम है तो वहाँ जाके थोड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल यहाँ ज़्यादा ही है, भयंकर कह सकते हैं, भयंकर वाली गर्मी है इस समय। बढ़िया बिस्तर लेके जाता तो लोग है अच्छा, खेत देख के आओगे तुम लोग। देव भी जा रहा है बाय बाय बाय। तो अभी शाम का समय हो गया है और बच्चे गए हैं घूमने बाहर खेत में, और मैं यहाँ पर चावल लेकर साफ करने बैठी हूँ। तो साफ करके दोनों ही बहनें मिलके, मतलब 2 दिन के लिए कम से कम चावल यहाँ बीन के साफ करके रख लेते हैं डिब्बे में, फिर 1-2 दिन नहीं बनाना होता है तो आसान रहता है। जब भी डालना हुआ निकाला फटाफट से डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। अगर जैसे हम जैसे देहरादून में हूँ मैं, तो 1-1.5 कटोरी चावल रहता है, निकाला तुरंत ही देखा तुरंत ही साफ करके डाल दिया। पर यहाँ ज़्यादा चावल है सुबह शाम दोनों टाइम, तो फिर वो बिना बनाए रखा रहता तो खाना फटाफट बन जाता है, वही कर रही हूँ। और आप लोगों की इच्छा है जैसे वीडियो देखना चाहते हैं, गांव के वीडियो सभी को अच्छे लगते हैं, तो बाहर वगैरह के वीडियो देखना चाहते हैं कि कैसा नज़ारा है, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को बाहर का भी नज़ारा क्या कैसे है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को दिखाऊं। और अभी जो ये ब्लॉग मैं डाल रही हूँ ये 3 दिन जिस दिन से शुरू हुआ है 3 दिन का है, क्योंकि थोड़े बहुत वीडियो जो भी मैं बनाती हूँ, और कई बार मैं खुद वीडियो बातों में ऐसा समय बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर फैमिली से मिले हो इतने दिन बाद, उसके अलग मज़े हैं, और क्या कहते हैं गर्मी के अलग मज़े हैं, उससे भी थोड़ा सा परेशान रहते हैं। और खाने पीने का तो सोचिए मत, बोलिए ही मत कि कितनी भी गर्मी है फिर भी बच्चों का जो मन करता है तो कभी कोई कुछ लाता है कभी कोई कुछ, इस तरह से कुछ हम बनाते भी हैं। तो खाने पीने का अलग, फैमिली जब मिलकर साथ में सब लोग खाओ पियो ना तो कुछ भी अच्छा लगता है, हमें तो मज़े ही आते हैं। तो ऐसे ही दिन कटे जा रहे हैं, और कोई पूछ रहा था कि आप कितने दिन के लिए आए हैं, तो मैं कुल मिला के 21-22 दिन का मेरा टूर है एक गांव का। और अभी इसी में मुझे मायके भी जाना है, तो पहले ससुराल में रहने के बाद मायके जाऊंगी और फिर मायके से लौटूंगी 1-2 दिन पहले, और फिर देहरादून के लिए निकलूंगी। तो अभी यहाँ का जो समय बीत रहा है बहुत ही अच्छा, और ये है कि मतलब उस बारे में क्या ही बताओ, गर्मी भले ही लगे सब कुछ आज ऐसा रहे, लेकिन परिवार में जब आप मिलजुल के रहते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर बहन सब्जी की तैयार, चावल वगैरह साफ की है, उसके बाद ये आम जो आम दशहरी आम बोले जाते हैं, वैसे पक्के आम को खाते हैं हम यहाँ के, दशहरी ही बोलते हैं हम लोग के यहाँ, तो वो आम आया हुआ था। और इस आम का जब बनाते हैं ना जो माजा आता है पीने वाला,
उसकी तरह इसका निकाल के बनाइए तो उसकी तरह लगता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने चम्मच लेके ना चम्मच से इसके छिलके, क्योंकि ये छील के काट के तो निकालते नहीं, जैसे मैंगो शेक वाला आम आता है उसका छील के काट के निकाल देते हैं, पर ये छिलता तो है नहीं, तो पहले इसको ऐसे ही निकालना पड़ता है। इसके जो अंदर का पल्प होता है वो निकाल के डाला है, इसमें चीनी डाली है और पानी, दूध नहीं डालेंगे, सिर्फ पानी। और ये बहुत ही मतलब मुझे तो वैसे ही टेस्ट आता है और अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश तुरंत मैंगो फ्रूटी वगैरह जो फ्रूटी पीते हैं, माजा पीते हैं उसके जैसा। तो सबके लिए ये गर्मी में थोड़ा सा ठंडक देने वाला मैंने शेक बना दिया है। और अभी रात हो गई है, एक तरफ खाना भी बन रहा है और इधर मैं मैंगो शेक ये जो भी बनाया है, इसके बाद ही समोसे आ गए थे और उसके बाद सब समोसे खाए। तो ऐसे ही चलता रहता है, कभी कुछ आता रहता है और खाते रहते हैं, और यही बच्चों को अच्छा लगता है। और जो सब्जियां बनती हैं, हम लोग तो कुछ भी खा के खुश रहते हैं, पर बच्चे तो डेली कहते हैं वही लौकी, तोरी, भिंडी, कद्दू, वही सब्जियां बन रही हैं, तो उससे तो बोर होते, लेकिन मन नहीं करता बिल्कुल भी मसाले वाली सब्जियाँ बनाने का, इस समय मन नहीं कर रहा है जितनी ज़्यादा गर्मी है उसकी वजह से। तो यहाँ पर अब समोसे भी खा लें, अब खाना खाने का बिल्कुल भी, एक दो रोटी भी खाना मुश्किल हो जाएगा, सब लोग भी करेंगे और खाना बन जाता है तो चिल्लाना पड़ता है कि चलो खा लो, क्योंकि सबके पेट भरे हुए रहते हैं। ये सब खाने के बाद किसको मन करता है खाने का, लेकिन ये है कि जिसको एक रोटी आधी रोटी जो भी खाना है कहेंगे कि खा लो। और यहाँ पर गर्मी की वजह से पौधे जो हैं सूख रहे थे, तो बस पानी लगाकर पाइप, दिन में मैंने ना एक दो पौधों में तो ऐसे ही देखा कि सूख रहे हैं तो बाल्टी से ले जाके डाल दिया था, कि बेचारे पौधों को मतलब सूखता देखकर भी बड़ा बुरा सा लगता है। और जब हरे भरे रहते हैं पौधे तो अच्छा, वहाँ पे भी है, देहरादून में भी है, मैं पौधों में पानी वगैरह देखते हैं डालती हूँ, मैं हूँ ये है। और यहाँ पे भी फिर रात में ही सिंचाई करी, और यहाँ पर सुबह हो चुकी है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। और मैं बता दूँ ये दिन है शनिवार का, ये शनिवार का दिन है और सुबह की मॉर्निंग है, और ब्लॉग आप लोग के पास पहुँचेगा ये सोमवार को, तो शनिवार तक का वीडियो आप लोग के पास। और कई लोग सोचते हैं पुराना, ऐसा नहीं है, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि टाइम लगता है, प्रॉब्लम आप लोग को बता दी है कि नेटवर्क नहीं रहता, एडिटिंग का टाइम कई बार नहीं मिलता है, बातों में सबके आने जाने में, इस वजह से और लेट हो जाता है। और गांव में मैं बता दूं, जैसे वैसे होता है औरतों का रूटीन अक्सर शेयर किया जाता है ना, गांव में आदमियों का भी रूटीन होता है, आदमी घर के जेंट्स का अलग रूटीन, औरतों का अलग रूटीन। जेंट्स अपना बाहर जैसे जानवर वगैरह हैं गाँव में तो उनको चारा वगैरह देना, तो सिटी में हो तो घर के अंदर ही झाड़ू पोछा करना है, तो औरतें अपना झाड़ू पोछा उनका ही रूटीन रहता है, आदमियों का काम होता है सिर्फ नहाए और तैयार हुए, खाए पिए, गए ड्यूटी। और गांव में क्या है कि इतने बड़े बड़े बाहर जो घर के बाहर जो है द्वार बोलते हैं, द्वार रहते हैं, जानवर रहते हैं, खेती बाड़ी होती है, तो मतलब और सारे काम, तो उनके भी रूटीन होते हैं औरतों के साथ साथ आदमियों का भी रूटीन होता है, सुबह उठे, झाड़ू लगाना, गाय को चारा डालना, चरी वगैरह लाना और दूध वगैरह निकालना, ये सारी चीज़ें गांव में भी होती हैं, मतलब गांव में होती ही हैं ज़्यादातर, शहर में कहाँ ये सारी चीज़ें होंगी। और ये देखिए दूध पीने के बाद ये बछिया बोलते हैं, बछुआ बछिया बछड़ी है ये तो आप लोग समझते तो होंगे मेरी बातें, कई लोग तो कहते हैं आपकी गांव की लैंग्वेज अच्छी होती, लेकिन मैं इसीलिए नहीं बोलती गांव वाली लैंग्वेज कि आप लोग में से कई लोग शायद ना समझ पाएँ, तो इसलिए नहीं बोलती हूँ। और आपस में तो हम लोग गाँव वाली भाषा में ही, गाँव वाली लैंग्वेज में ही सारे लोग बात करते हैं। और यहाँ पर चटनी बहन पीस रही थी, उसकी बेटी जो है बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इसी वजह से फिर वो मैंने कहा हटो मैं पीस देती हूँ, और खाना सब लोग का बाहर का रूटीन ख़त्म हुआ तो बस खाने की तैयारी हो चुकी है, सब कुछ बन गया था, चटनी सलाद वगैरह यही हम लोग बना रहे थे। ये सिल्की चटनी ना बहुत टेस्टी लगती है, इसीलिए मिक्सी में नहीं पीसा, सिल पे पीसा है। और यहाँ पर बहन सलाद काट रही है, खाना निकाल दिया है सबका, बाप रे
बहुत ज्यादा गर्मी है भैया, रोज ब्लॉग शुरू करती थी यही बोलती हूँ। क्या करूँ, आज सर दर्द बहुत तेज हो रहा था और रूपा ने तेल रखा, सर दबाया, उसके बाद दवा खाई, फिर सो गई थी, रेस्ट किया, तब जाके थोड़ा सा आराम हुआ है। और अभी शाम का टाइम है, 4:30 हो रहे हैं, छोटू आ गए हैं ड्यूटी से। घर भी बहुत है तो छुट्टी जल्दी हो जाती। छोटू कहें छोटू, तब बस यहाँ पर पकौड़ी की तैयारी हो रही थी, रूपा पकौड़ी की तैयारी कर रही हैं, चाय पकौड़ी, और इधर आ गई है फुल्की। तो बच्चे फुल्की खाने के लिए उठ उठ के आ गए हैं कि जल्दी से, ये देखो देव भी सो रहे थे, उठ के आ गए हैं नाम सुन के फुल्की का, क्योंकि फुल्की समोसा चाट ये ऐसी चीजें हैं कि मुंह में पानी आ जाता है इनके नाम से। तो ये देखिए पैक है पूरा, ये पॉलीथिन अलग अलग, यहाँ का जो स्वाद है ना वो वहाँ नहीं मिलता है, और यहीं अच्छा लगता है। कहते नहीं, हम जहाँ के रहने वाले होते हैं वहाँ की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो यहाँ जो हमें मिलता है खाने को ना, यहाँ के समोसे चाट फुल्की देहरादून में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, यहाँ के बहुत अच्छे। इसीलिए हम यहाँ आएंगे लौट के देहरादून छोड़ के, हमें अपना देश ही प्यारा है, अपना गांव, अपना देश देहरादून से ज़्यादा ही अच्छा है। बस बच्चे मेरे पढ़ लिख लें थोड़ा सा, बड़े वही पढ़ाई के चक्कर से रुक गई हूँ, नहीं तो अपने गांव अपने देश की यहाँ की बात ही दूसरी है। भले गर्मी पड़े चाहे जो पड़े, पर अच्छा यहीं लगता है अपने परिवार में, अपने गाँव में। पहले फुल्की दे दे, जल्दी दे दे, ठंडी थोड़ी ना बार फुल्की निकाल, समोसा हो तो ठंडा हो जाए, फुल्की तो ठंडी हो ना, छोटू कहा जल्दी निकाला, जल्दी दो तो पहले जल्दी निकाल, सबको लाल टप कर दिया है, जल्दी कह दी। हम तो खाए का है, हम तो 20 रुपये खाए का है। चला तब ठीक है, तू खाए का, इनका सब बड़े तो भैया ला दिए हैं छोटे बहन, छोटे बहन भाइयों के लिए। तो हमें पता ही नहीं था, पता होता तो पकौड़ी का प्लान कैंसिल कर देते। वैसे उस दिन बाबूजी ने बोला था पकौड़ी, तो हम लोगों ने टिक्कियां बनाई थी, तो ये हुआ कि चलो आज पकौड़ी ही बन जाए, बच्चे भी खा लेंगे और बड़े भी सब खा लेंगे मज़े से चाय के साथ में, और तब तक ये फुल्की आ गई, तो ये भी सब लग गए खाने में। और इसके तो अलग ही फुल्की, गोलगप्पे, बहुत सारे लोग गोलगप्पे ही बोलते होंगे, पर हम लोग के यहाँ ना फुल्की ही हम शुरू से बोलते हैं, तो वही निकलता है मुंह से। अक्सर जो हम बचपन से बोलते आए होते हैं ना, बोलते हैं वो चीज़ें हम लोग के मुंह पे जल्दी आ जाती हैं, वही निकलती हैं। अगर हम बदलना चाहें हैबिट में, तो धीरे धीरे करके चेंज तो हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम बोलते आए हैं वो बदल नहीं सकती, पर ज़्यादातर हमारे मुँह से वो निकलता है। तो यहाँ पर ये देखिए बढ़िया पकौड़ियाँ प्याज वाली, और इधर पहले ये खाएंगे और उसके बाद फिर पकौड़ी खाएंगे। तो सबको प्लेट में लगा के, बच्चे तो वहीं बैठ के खा लिए थे, और जो बड़े लोग थे उनको क्या कहते हैं, ले जा के लगा कर ग्लास में पानी लेकर, और फुल्की के अंदर वो डाल के जो बॉयल देते हैं मसाला सा मटर चने का रहता है, वो डाल के सबको पहुँचा दिया था। और मेरा आज बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा था सुबह से, तो बहन ने ठंडा तेल रख के खूब दबाया, मालिश करी, दवा खाई, तब जाके आराम हुआ, तब शुरू हुआ। पता नहीं गर्मी की वजह से क्या है, सर दर्द काफ़ी हो रहा है इस समय। अब यहाँ से जाऊँगी तो फिर से दवा मैंने बंद कर दी थी, जो दवा मेरी मेडिसिन चल रही थी आयुर्वेदिक, कोई पूछ भी रहा था कि आप कौन सी दवा किए थे माइग्रेन के सर दर्द से ठीक हो, तो उससे काफ़ी बंद हो गया था, लेकिन फिर मैंने दवाएं ये भी पियोगी क्या दी वो, लापरवाही है, तो अब जूस भी पकौड़ी खाने के आगे मतलब पसीना उसीना कुछ नहीं है इनको बनाने में, नहीं कागज के अंदर इसका हाथ नहीं जा रहा है। अरे सुप्रा आइसक्रीम ना अच्छी कागज है, ओपन ही नहीं है, पता है हम लोग कल ऐसे कौन से लाए 25-25 रुपये बब्बा खा चुके हैं, अब वहाँ जाओ एक बार खेत में चले जाओ, तो खाने पीने के बाद फिर से सबकी चाय बन गई है, और हम एकदम पसीने पसीने हो जाते हैं, भीग जाते हैं ये कहें पसीने से,
उसके बाद आ जाते हैं कूलर में। जब बैठते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडी हवा लगती है, वहीं बैठ के खाया पिया। और यहाँ पर भी फैन लगा लिया है, आंगन में भी फैन लगा के बैठ गए हैं। और रूपा लहसुन प्याज वगैरह छील रही है, मैं काट रही हूँ कटहल। तो आज शाम को कटहल बनने की तैयारी है सब्जी, तो बस अब इसके बाद बनेगा हम लोगों का खाना। इधर कुर्सी रख के बैठ, इधर हवा, इधर भाई हम तो उतरे नहीं, पर रूपा हवा। हाँ किस लिए, क्या हो, मच्छर काटने कौन है? आप दोनों जाते पहले मेरे से, आप दोनों जिंदा हो तो अभी रहूंगी, लगता है लंबा जिंदा मेरे। तो अभी खाना बन गया, सबको खिला दिया है और हम दोनों बहनें बैठ गए हैं थाली लेके आंगन में। इधर पंखा लगा दिया है, इधर हवा लेके अब खाएंगे, थोड़ा पसीना भी सूखेगा और खाना भी खाएंगे। कटहल की सब्जी बढ़िया बहना ने टेस्टी टेस्टी बनाई। हाँ बैकग्राउंड अब रात में देखिए, कमेंट आया था कि आप बैकग्राउंड अपने पे ही कैमरा रखते हैं, बैकग्राउंड नहीं दिखाते हैं, तो बैकग्राउंड देख लीजिए। ये देखिए मेरे बच्चे बैठे हैं इधर, इधर फैन लगा हुआ है, उधर पेड़ पौधे हैं। इधर हमारे घर का, इधर से दो दरवाजे हैं, एक इधर किचन में घुसने का है, ये अंदर जाते हैं, एक इस दरवाजे से भी अंदर जाते हैं। ये होम टूर मैंने पहले ही दे रखा है। इधर बाथरूम है हमारा, हम लोग यहाँ बीच में बैठे हुए हैं, छाया आंगन में अपने। फैन की आवाज़ जा रही होगी लेकिन क्या करें, फैन नहीं बंद कर सकते, बहुत गर्मी है। तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई और यहाँ गायों की धुलाई चल रही है, गर्मियों में गाय को भी नहलाना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अपना ख्याल रखें, खुश रहने की पूरी कोशिश करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।